हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज मैं बहुत ही अलग तरीके के गणपति के लिए मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये शायद चावल के मोदक हैं, तो जी नहीं, ये चावल के मोदक नहीं है। ये बहुत ही अलग तरीके से और पहली बार यूट्यूब पर मैं बना रही हूँ ये इस तरह का मोदक। तो आज हम बनाने वाले हैं पोहे के मोदक, और अगर आपको पोहे के मोदक की रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर हिट कीजिए लाइक बटन। अगर आप नए हो मेरे चैनल में और आपको वीडियो पसंद आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पोहा मोदक। हमने यहाँ पे कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी ले लेना है। आंच को यहाँ पे हमें मध्यम रखना है। जैसे ही हल्का सा घी गर्म हो जाएगा इसमें हम 3 इलायची दरदरा पिसा हुआ डाल देंगे। जैसे ही इलायची में से अच्छी खुशबू आने लग जाएगी इसमें हम कसा हुआ नारियल डाल देंगे। हमने यहाँ पे आधा मध्यम आकार का नारियल लिया है, ये किसा हुआ नारियल है। साथ ही साथ में हमने यहाँ पे आधा कप गुड़ लिया है, और गुड़ डालकर अच्छे समय से मिला लेना है। यहाँ पर गुड़ पूरी तरह से धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे गुड़ पूरी तरह से पिघल चुका है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक गुड़ का पानी बर्तन में ना दिखने लगे या बहुत ज़्यादा पानी ना रहे। नारियल में नमी होनी चाहिए, यानी कि मॉइस्चर होना चाहिए, पूरी तरह से सूखना नहीं चाहिए, नहीं तो एक रबड़ की तरह हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गुड़ का पानी नहीं दिख रहा है बहुत ज़्यादा, एकदम परफेक्ट है। तो नारियल और गुड़ का फिलिंग तैयार हो चुका है। इसे करीबन 15 मिनट का वक्त लगा है पकने के लिए। तो आंच को यहाँ पे हम बंद कर देंगे और फिलिंग को हम यहाँ पे ठंडा होने रख देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 1.5 कप मोटा पोहा लिया है। आप यहाँ पे चाहो तो पतला पोहे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमें पोहे को अच्छे से पानी में धो लेना है, जिस तरह से हम नॉर्मली पोहे को धोते हैं। तो पोहे को पानी में हमने धो लिया है और इसे अब हम 10 मिनट के लिए आराम करने देंगे, इसे फूलने देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। हम यहाँ पे पोहे को स्टील की प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे, पलट लेंगे। स्टीमर में हमने पानी को गर्म कर लिया है और काफी अच्छा भाप आ चुका है। तो अब इस प्लेट को हम स्टीमर में रख देंगे और ढक के धीमी आंच में 5 मिनट के लिए हम इसे भाप देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, आंच को हम यहाँ पे बंद कर देंगे। पोहा यहाँ पे काफी मुलायम सा हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम ये गर्मा गर्म पोहे को प्लेट पर निकाल लेंगे और ग्लास की सहायता से पोहे को हमें मसलना है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम हाथों की सहायता से अभी हाल फिलहाल नहीं मसल सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ग्लास से मसलेंगे। क्योंकि अब ये मैनेजेबल हो चुका है इसे हम अब हाथों से मसलेंगे और यहाँ पे अच्छे से गूंद कर इसका हम डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पोहे का डो तैयार हो चुका है, साथ ही साथ में यहाँ पे फिलिंग है और हमने यहाँ पे मोदक का साचा लिया है। हम यहाँ पे छोटा सा हिस्सा ले लेंगे। इससे पहले हम मोदक के साचे को ग्रीस कर लेंगे तेल से, इसे थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। अब ये छोटा सा हिस्सा साचे पर इस तरह से रख देंगे और फैला लेंगे उंगलियों की सहायता से। हमें यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। अब दूसरा आधा हिस्से पर भी इसी तरीके से हम पोहे को फैला लेंगे और उंगलियों की सहायता से हम इसे हल्का हल्का दबाते जाएंगे। अब हम जो फिलिंग तैयार की है नारियल और गुड़ की, वो हम बीच में रख देंगे और इसे हमें बंद कर देना है साचे को। और जो निचला हिस्सा है उसे भी हम इस तरह से दबाते जाएंगे और जो एक्स्ट्रा है वो हम निकाल लेंगे। देखिए एक पोहा मोदक तैयार हो चुका है, लेकिन ये पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है, हमें आगे का भी प्रोसेस करना बाकी है अभी। तो सबसे पहले हम सारे के सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे बहुत ही सुंदर से मोदक तैयार कर लिए हैं, बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं ये। हम यहाँ पे मोदक को स्टीमर में रख देंगे और इसे हमें भाप देना है धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही मुलायम से पोहा मोदक तैयार हो चुके हैं। इसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता है कि पोहे से बने हैं, सभी को ये लगेगा कि चावल के मोदक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही हटके पोहा मोदक रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे। हैव अ ब्यूटीफुल डे।